वेलकम बैक टू माय चैनल आयुर्वेद आर इन्फॉर्मेटिव चैनल। एज यू नो मैं हूँ ममता। मैं आज आपके सामने लेकर आ गई हूँ गुणकारिणी। जी हाँ, वैसे तो प्राचीन काल से हमारे यहाँ हमारे घरों में पारंपरिक तौर से इसका इस्तेमाल होता रहा है, लेकिन हम अब जो है एलोपैथी में इतना बिजी हो गए हैं, रेडीमेड क्रीम लगाने में इतना बिजी हो गए हैं कि इसके गुण से भूल गए हैं। काल से ही चुनिंदा पेड़ों में गिना जाने वाला ये पेड़ औषधि गुणों से भरपूर है। जी हाँ, प्राचीन काल से ही नीम की पत्तियों, निबोलियों, छाल और जड़ों का प्रयोग स्वास्थ्य के लिए आयुर्वेदिक दवाइयों के लिए किया जाता रहा है। खासकर नीम का तेल त्वचा संबंधी समस्याओं के लोगों के लिए ही रामबाण माना जाता रहा है। जी हाँ, स्टाइल क्रेज के हम जो है प्राचीन अपनी पद्धतियों को भूलते जा रहे हैं। शरीर की कौन कौन सी समस्याओं का इलाज है जो हम इस नीम के तेल से या नीम से कर सकते हैं? शोध में कहा गया है कि नीम की छाल के अर्क में गैस्ट्रोप्रोटेक्टिव और एंटी अल्सर गुण पाए जाते हैं। इसका मतलब है कि नीम की छाल का अर्क गैस्ट्रिक और हाइपर एसिडिटी और अल्सर की स्थिति में लाभ पहुंचाने के लिए मदद के लिए फायदेमंद हो सकता है। दांतों के लिए भी बहुत अच्छा है, ये एंटीबैक्टीरियल माना गया है और इसमें एंटीबैक्टीरियल रोधी गुण होते हैं जो दांतों के प्लाक को दूर करने की समस्या का अच्छे से हल निकाल सकते हैं। हालांकि दांतों के लिए इसके इस्तेमाल के विषय में डॉक्टर्स अभी परामर्श कर रहे हैं, परंतु देखिए हम प्राचीन काल से ही दांतों में नीम की दातून किया करते थे जिससे मुंह की दुर्गंध नहीं आती थी, कभी पायरिया नहीं होता था। और आज हम जब इसका इस्तेमाल छोड़कर ब्रश पर लग गए हैं तो हमें अब उन्हीं चीज़ों की ज़रूरत वापस पड़ रही है, क्योंकि हमारी शरीर को वही ज़रूरत थी। जी हाँ, बालों के लिए नीम का तेल बहुत ही उपयोगी होता है। बालों के विकास में, बालों को काला घना मजबूत रखने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता रहा है सदियों से। इसमें फैटी एसिड्स पाए जाते हैं जो लिनोलिक, ओलिक और स्टेरिक एसिड शामिल होते हैं जो स्कैल्प के बालों को पोषण प्रदान करते हैं। जैसे डैंड्रफ नहीं होता है, बाल घने लंबे होते हैं, समस्या से आप इससे निजात पा सकते हैं। अगर आप नीम के तेल का प्रयोग करते हैं तो आप एंटी डैंड्रफ गुण पाए जाते हैं, इस कारण इसे रूसी दूर करने के लिए शैम्पू में भी उपयोग किया जाता है। दो मुँह बाल हैं, नीम के तेल से बालों को घना और मजबूत बनाने में मदद मिलती है। इसके साथ ही इसका उपयोग जो है जुओं के लिए भी आप कर सकते हैं। अगर आपको किसी को जुएं हैं तो वो रात को इसके तेल को बालों में अप्लाई करें, स्कैल्प लगाएं और इसको रात भर लगा रहने दें, सुबह शैम्पू कर लें। इससे दो मुँह बालों को भी निजात मिलेगी और जो है जो रूसी है, आपका डैंड्रफ है, आपके जो है जुएं पड़ गई हैं अगर बालों में, तो आपको उससे भी निजात मिलेगी और आपके बाल सिल्की, घने और मजबूत हो जाएंगे। ऐसी चीज़ नहीं है मार्केट में जो आपके दो मुँह बालों को ठीक कर सके, लेकिन नीम ऑयल एक ऐसा है जो आपकी दो मुँह बालों को भी ठीक कर सकता है, आपकी इस बीमारी से आपको निजात दिला सकता है। अगर आपके बाल दो मुँह के हो गए हैं, टूट गए हैं, झड़ रहे हैं, तो आपको ये उससे निजात दिला, स्कैल्प से बालों को जो है पोषण प्रदान करता है। इसमें जो है बहुत सारे एसिड शामिल होते हैं, इस वजह से ये जो है आपके स्किन में जो प्रॉब्लम होती है उसको ये दूर करता है, ताकि आपके बाल नहीं झड़ते, आपके बालों को पोषण अच्छा होता है, ग्रोथ अच्छी होती है, लेंथ अच्छी होती है, सभी कुछ अच्छा होता है, बालों को पोषण प्रदान करता है। और इसके पोषण देने के साथ साथ बालों से जुड़ी कई समस्याओं को आपको दूर करने में मदद मिलेगी, लेकिन यह बालों के टेक्स्चर में सुधार लाता है। कितना प्रभावी होगा अभी इस पर सटीक वैज्ञानिक और भी ज़्यादा खोज कर रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ तो ऋषि मुनि पहले से ही शुरू से ही स्टार्टिंग से ही जो है हिंदुस्तान में हमारे यहाँ इसे इस्तेमाल किया जाता है। इसके बालों के जो है ये अगर रूखे और बेजान बाल हैं तो उसमें जान डाल अर्क का इस्तेमाल जो है मलेरिया के बचाव के लिए भी किया जाता है। शोध के अनुसार नीम का अर्क मलेरिया को फैलाने वाले मच्छरों से जो है आपकी सुरक्षा करता है। देखा होगा आपने गांव में अक्सर लोग आग जलाकर उसके ऊपर नीम की टहनियाँ गीली ही डाल देते थे। उससे क्या होता था कि ये मच्छर जो है पनप नहीं पाते थे और इनके अंडे मच्छर बनने से पहले ही मर जाते थे। कई तरह के कीटनाशकों में नीम के तेल का इस्तेमाल किया जाता रहा है। मच्छरों के प्रकोप से बचने के लिए आप नीम के तेल का प्रयोग कर सकते हैं, त्वचा पर या रूम डिफ्यूज़र के रूप में आप इसे यूज़ कर सकते हैं। कि आसपास पानी भर गया हो, गड्ढे हैं, बारिश का पानी भरा हुआ है, वहाँ पे थोड़ा सा नीम ऑयल डाल दीजिए। ये मच्छर जहाँ पनपते हैं उस जड़ को जगह को ही ख़त्म कर दीजिए, आप फिर ये मच्छर नहीं पनपेंगे, आपको इनसे राहत मिलेगी। दांत के दर्द में भी ये राहत दिलाता है, दुर्गंध दूर करने के लिए दांतों में
बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। नीम के इस्तेमाल से जो है वायरल संक्रमण को दूर रखा जा सकता है। इससे चिकन पॉक्स जैसे रुमाल पॉक्स, फाउल पॉक्स और स्किन इन्फेक्शन भी शामिल है। यह इसमें पाए जाने वाले एंटीवायरल गुणों के कारण ही संभव होता है और नीम के ये गुण जो है नीम के तेल में मौजूद हो सकते हैं। जी हाँ, आप पत्ते भी यूज़ कर सकते हैं आप चाहें तो, लेकिन पत्तों में हम क्या है बहुत ज़्यादा पीसना पड़ेगा, टाइम वेस्ट करना पड़ेगा और नीम का ऑयल तैयार बाज़ार में मिल ही जाता है। पहले तो हमारे यहाँ बड़े बुजुर्ग जो है निमोलिया इकट्ठे करके इसका तेल निकलवाया करते थे घर पर ही। अधिकतर आपको गांव में कहीं ना कहीं ये मिल ही जाएगा किसी न किसी घर पर, लेकिन अब लोग नहीं करते हैं, अब पेड़ ही नहीं बचे हैं। हमने पेड़ अपनी जो है अपनी सुविधाओं के लिए जो पेड़ लगाए हुए थे हमारे बुजुर्गों ने, हमने उन्हीं पेड़ों को अपने घर से निकाल कर हटा दिया है। इसीलिए ऐसा कहा जा सकता है कि नीम के तेल का उपयोग वायरस को तो दूर करता ही है, जी हाँ, लेकिन ये मच्छरों को और अन्य बीमारियों को इनके पेड़ों की हवा, जी हाँ, नीम के पेड़ की हवा बहुत ही फायदेमंद होती है। जैसे कहते हैं किसी को लकवा हो, आप नीम के पेड़ की छाँव में सुला दीजिए, बहुत फायदा होगा। यहाँ ऋषि मुनि जो है प्राचीन काल से ही नीम को इस्तेमाल जो है विभिन्न आयुर्वेदिक दवाइयों के निर्माण में कर रहे थे, खासकर त्वचा संबंधी मुहासे, सोरायसिस, एक्जिमा, दाग आदि चीज़ों में भी नीम के लिए नीम के तेल को जो है इस्तेमाल किया जाता रहा है। पाए जाने वाले बहुत सारे गुण जिनमें से एक एंटीसेप्टिक भी है, एंटीसेप्टिक और अन्य गुणों के कारण इसके तेल का कई तरह से दवाइयों में, कॉस्मेटिक उत्पादनों में इस्तेमाल किया जाता है। अपने ऊपर आपने सेहत के लिए नीम के लिए फायदे और त्वचा संबंधी समस्याओं के लिए भी आप देखा होगा, आपने कुछ लोग करते हैं नीम का पेस्ट का मास्क बनाते हैं और इसी तरह जो है नीम ऑयल भी है। फ्रेंड्स, मैं इसी तरह आपके लिए नई नई जानकारियाँ लेकर आती रही हूँ। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अभी और बहुत सी चीज़ें हैं जो मैं डायरेक्ट दिखाऊंगी। रूखी बेजान त्वचा, जी हाँ, जो नमी खो चुकी है, त्वचा सूखने लगी है, ऐसे में कई त्वचा रोग संबंधी उत्पन्न हो जाते हैं और सूखी त्वचा की समस्या दूर करने के लिए नीम का तेल बहुत ही उपयोगी है। नीम के तेल को सूखी त्वचा के लिए आराम देने का काम करती है और विटामिन ई और अमीनो एसिड्स और फैटी एसिड्स पाए जाते हैं जो त्वचा का पोषण देने का काम करते हैं। इन पोषक तत्वों में खासकर विटामिन ई त्वचा में नमी बनाए रखने के लिए मदद करता है, इसीलिए नीम का तेल ड्राई स्किन के लिए भी लाभकारी हो सकता है। वीडियो को पूरा अवश्य देखें।